बच्चों, मैं सुनीता उपाध्याय। आज हम संधि के बारे में जानेंगे। संधि, सम प्लस धी, शब्द का अर्थ है मेल या जो। दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों, स्वर का मतलब होता है अ से लगा के अहत, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, भानु उ और उ, ये दोनों उ मिले हैं इसलिए ये कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। देव प्लस इंद्र, देव अ आ रहा है पीछे लास्ट में और इधर ई आ रहा है, जब ये दोनों साथ मिलेंगे तो ये संधि होगी स्वर संधि। अब हम आगे जानेंगे संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर, स्वर संधि में यानी द्व स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्वर और स्वर दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे स्वर संधि होगी। यहाँ पे है विद्या आ प्लस आ, ये दोनों आपस में मिले हैं इसलिए यहाँ पे हुई है स्वर संधि। स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, जिनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अभी हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन, जिस प्रकार की मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, स्वर अ से लगा के अह तक, तो क के बाद क ख ग घ, ये जो है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंदर। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला क्लियर कर ले अपन, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से, दोनों चीज आएगी इसमें। जैसे पहला उदाहरण है सत प्लस जन, ये व्यंजन है, ये स्वर है, सत अ आ रहा है पीछे और ये ज है सज्जन, ये व्यंजन है और ये स्वर है, सत प्लस आचार, तो ये हुआ सदाचार। उसके बाद आती है अपनी तीसरे नंबर पे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग ये इसका चिन्ह है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर और व्यंजन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन, पीछे विसर्ग लगा हुआ है प्लस अनुकूल, तो यहाँ बन जाएगा ये मनोनुकूल। आधा प्लस गति, यहाँ पे विसर्ग लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा, ये जो विसर्ग हैं ये यहाँ मात्रा का रूप ले लेंगे, अधोगति। मन प्लस बल, मनोबल। इसके बाद ये सारा जानने के बाद अब आपका गृह कार्य यह है कि पहला प्रश्न है आपका स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए। अब आप, जैसे मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि अब इसमें देख लें अपन कि स्वर कौन सा स्वर है और व्यंजन कौन सा है। लाइन खींचना है आपको, एक तरफ स्वर लिखना है, एक तरफ व्यंजन लिखना है। स्वर वाले सारे अक्षर वर्ण इधर लिख लेंगे अपन, व्यंजन वाले सारे इधर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा आपका संधि की परिभाषा, याद करना है, उसके भेद उदाहरण सहित याद करके लिखना है। तीसरा प्रश्न है संधि का नाम लिखिए। अब इतना सारा जानने के बाद आप लोग संधि को पहचान सकते हैं आसानी से। अब आपको इन संधियों को लिखना है और इनके सामने ये कौन सी संधि है उस संधि का नाम लिखना है। नमस्कार।